गरीबी कभी उड़ानों की मोहताज नहीं होती, राही की मंजिल हमेशा ख्वाब नहीं होती। वो अक्सर हम पहुँच ही जाते हैं मंजिल तक जिनके अंदर रुकने की आवाज़ नहीं होती। नमस्कार, मेरा नाम बीरेन खुशहाल और आप देख रहे हैं खुशहाल एग्री सर्विसेज। आज मैं भारत के उन बहुत से किसानों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सलाह लेकर आया हूँ कि अगर आप भी आम के बगीचे आप लगाए हैं या आम की खेती करते हैं तो आप लोगों के लिए विशेष जानकारी है। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो किस प्रकार हम आम की खेती करें कि आम ज़्यादा से ज़्यादा फल दें, क्योंकि आम एक साल वर्षीय फसल है और साल भर बाद अगर आम से अच्छा फसल ना पैदा की जा सके या उपज ना प्राप्त की जा सके तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसी के लिए मैं आपको वन बाय वन प्रोसेस बताता हूँ किस प्रकार आप अपने आम की खेती करें ताकि बेहतर से बेहतर उपज प्राप्त की जा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं जुताई की। तो आम में जुताई कब की जाए, तो आम में जुताई कब करें, जब उसके बौर निकलें उससे पहले आप आम की जुताई कर दें। कोशिश करें कि अगर बौर निकलते समय पेड़ की जड़ों को छेड़छाड़ ना करें। उसके बाद कहते हैं जुताई के बाद आता है पानी। तो पानी कभी भी फल निकल या फ्लावरिंग के समय या जो कहते हैं फूल निकलने के समय या बौर आने के समय कभी भी पानी ना दें, उससे पहले ही सिंचाई कर दें, 1.5 से 2 महीने पहले बंद कर दें। क्यों, अगर आप पूछते हैं ऐसा क्यों, तो क्योंकि अगर आप बौर आने के समय सिंचाई करेंगे तब क्या होगा, उसका वानस्पतिक विकास होने लगेगा, तब उससे क्या होगा आपके बौर जो है कहीं ना कहीं कम हो जाए। उसके बाद बात करते हैं आपके कि फल आपके फल क्या होता है, फल किस प्रकार अधिक फल लगे और उस पर रोग न लगे। तो सबसे पहले आम की समस्या कौन कौन सी होती है, आपके पाउडरी मिल्टी लग जाता है और कीट लग जाते हैं जिससे आपके क्या होता है फल गिरने लगते हैं, फल नहीं लगते हैं, ऐसी कई कई समस्याओं को झेलना पड़ता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करें, इमिडाक्लोप्रिड 17.8% की मात्रा 30 ml प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर अच्छे से छिड़काव करें। अच्छे से छिड़काव का मतलब इतना अच्छे से छिड़काव करें कि उसके जो क्या कहते हैं आम की जो दरारें होती हैं पेड़ों की छाल होती है, यानी कि उसके अंदर तक चला जाए ताकि जो भी कीड़े हों अंदर तक समर जाएं। ठीक, ये पहली आपकी पहला छिड़काव हो। उसके बाद क्या करें, उसके बाद जब आप क्या कहते हैं फल यानी बौर बन जाएं, मटर के आकार के आपके फल हो जाएंगे आम के, तब आप छिड़काव करेंगे। किसका छिड़काव करेंगे तो अब मैं आपको बताऊंगा। पहला इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें 30 ml पर 10 लीटर पानी में, और उसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 10 ग्राम, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 10 ग्राम 10 लीटर पानी में इसका छिड़काव करें। इसके साथ में आप नेफ्थलीन एसिटिक एसिड या इसको मार्केट में प्लेनो फिक्स के नाम से भी जाना जाता है, इसका आप छिड़काव करें। छिड़काव की मात्रा कितनी है, 4 ml पर 10 लीटर पानी में, 4 ml पर 10 लीटर पानी में आप NA या प्लेनो फिक्स इसको आप इसका छिड़काव करें। पर इससे आप इससे क्या होगा, आपके फल गिरेंगे नहीं, फलों का आकार बढ़ जाएगा और उनकी चमक बढ़ जाएगी। और इसके बाद ये दूसरा आपका स्प्रे हुआ मटर के दाने के आकार जब हो जाए तो। उसके बाद क्या करते हैं, तीसरा स्प्रे उसे मटर के दाने से थोड़ा और बड़े हो जाए, यानी कि उससे एक लगभग 15 दिन बाद आप एक बार फिर से तीसरा स्प्रे कर दें। तीनों को मिलाकर तीनों की मात्रा 30 ml पर 10 लीटर इमिडाक्लोप्रिड। उसके बाद सेकंड आपका आता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 10 ग्राम पर 10 लीटर पानी में, और क्या कहते हैं तीसरा आपका NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड 4 ml पर 10 लीटर पानी में। इन तीनों को मिलाकर आप छिड़काव करिए, आपका आम जो है बेहतर रिजल्ट देगा। इससे
आपका उत्पाद, आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप के लिए आप हमारे पास कॉल करिए, हम आपको उसकी बेहतर से बेहतर उपचार बताने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल खुशहाल एग्री सर्विसेज में बने रहिए। नमस्कार।